कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात में अपना पहला भाषण दिया। गांधीनगर की रैली में उन्होंने कहा कि आज देश में जो रहा उससे काफी दुख होता है। आपकी जागरूकता एक हथियार है, ये ऐसा हथियार है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में फिजूल के मुद्दों से बचें। तो खाते में 15 लाख आने के वादे का क्या हुआ? प्रियंका गांधी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा गया। ये देश नौजवानों ने बनाया है, प्रियंका गांधी ने पहला भाषण दिया गुजरात से। ये देश प्रेम सद्भावना के आधार पर बना है, कार्यकर्ता जागरूक बने, यही देशभक्ति है, ये कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। रोजगार के वादे का क्या हुआ? प्रियंका गांधी ने कहा और साफ तौर पर कहा, जो बेकार के फिजूल के मुद्दे हैं उनसे कम से कम बचें। तो कार्यकर्ता जागरूक बने, यही देशभक्ति है, प्रियंका गांधी का कहना है। खाते में 15 लाख आने के वादे का क्या हुआ? प्रियंका गांधी भी सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुई नजर आई। 2014 में रोजगार के वादे का क्या हुआ? जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से किए गए जनता से, वो मुद्दे क्या वाकई पूरे हैं? एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से वो मुद्दे गिनाए गए। तो 2014 में रोजगार के वादे का क्या हुआ? प्रियंका गांधी ने कहा, जो तमाम 2014 में बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस को घेरा गया था, जो मुद्दे गिनाए गए थे कि किस तरह से रोजगार, देश को रोजगार मिलना चाहिए, जो तमाम जनता है, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं परेशान है, उसको रोजगार दिया जाना चाहिए, तो ठीक उसी मुद्दे को लेकर निशाना साधती हुई नजर आई प्रियंका गांधी वाड्रा। लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया गया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बैठक में शिरकत की। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। बैठक के बाद जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कार्यकारिणी में देश के राजनीतिक संवाद में कड़वाहट और गिरावट पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक कड़वाहट का कारण पीएम मोदी और बीजेपी है, ये भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा बैठक में राष्ट्रीय एकता पर भी चर्चा की गई। बैठक में पीएम मोदी द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए देश की जनता के बीच लकीरें खींचने की आलोचना की गई। शर्मा ने कहा कि बैठक में जवानों की कुर्बानियों को भी नमन किया गया। उन्होंने कहा कि आतंकियों के इरादे भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा, आतंक के खिलाफ भारत की आवाज़ मजबूत रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक में बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस की फांसीवाद, नफरत, गुस्से एवं विभाजनकारी विचारधारा को हराने में से बड़ा कुछ नहीं है। वहीं सोनिया गांधी ने बैठक में सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय हित का मुद्दा सामने लाया जा रहा है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि यूपीए की ग्रोथ के बारे में आम लोगों को जानकारी देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि और औद्योगिक ग्रोथ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो बैठक में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधे सीधे निशाना साधा। दरअसल 58 साल बाद आज गुजरात में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई कांग्रेस की, और अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से देखा जाए, कुछ देर पहले की बात करें, राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए राहुल गांधी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास? वरिष्ठ नेता थे वो वहाँ मौजूद थे, और प्रियंका गांधी आज पहली बार वहाँ से मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करती दिखी। राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में जो वादे किए गए थे, रोजगार का वादा किया गया था, उसके अलावा देश में विकास करने का वादा किया गया था, उन तमाम वादों का क्या हुआ? वो साहब राहुल गांधी ने गुजरात से
बीजेपी सरकार से मांगा। अब राफेल का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया कि जो एनडीए की सरकार है उसने यूपी की सरकार से ज़्यादा रेट में राफेल को खरीदा है और सेना के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जो बीजेपी है वो देश की जनता को भटका रही है। ऐसे में जो विकास कार्य होने चाहिए, जो देश के युवा को रोजगार मिलना चाहिए, जो लोगों की आमदनी बढ़ने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है, वैसा कुछ नहीं हुआ है। इसी तरीके से प्रियंका गांधी ने भी विकास के मुद्दों को साथ में लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, सभी लोगों ने एक तरफ जहां बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी की विफलताएं हैं वो गिनाई और अपनी रणनीति 2019 के चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनाकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी उस पर पूरी यहां पर चर्चा आज की गई गुजरात में। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए हर चीज को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने बात की। 2014 की अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में अगर बात की जाए तो जो तमाम मुद्दे लेकर कहीं ना कहीं सत्ता में आई बीजेपी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से जनता के सामने रखे गए। उनका सीधा तौर पे कहना था कि जो वादे 2014 में आपसे किए गए, क्या वो वादे वाकई पूरे किए गए हैं, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस की CWC की जो कार्यकारिणी मीटिंग थी, इस मीटिंग में साफ तौर पर आज कहा गया कि बीजेपी सरकार, तो चाहे उसमें राहुल गांधी का बयान आया हो, चाहे प्रियंका गांधी का बयान आया हो, या सोनिया गांधी बोल रहे हो, मनमोहन सिंह बोल रहे हो, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी सरकार को घेरा और जो मैनिफेस्टो लेकर 2014 में बीजेपी पब्लिक के बीच में गई थी और वहाँ पर लोगों को उन्होंने कहा था कि रोजगार का बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों की जो आय है वो बढ़ा दी जाएगी और तमाम जितने भी वादे बीजेपी की सरकार की तरफ से किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं, उसको लेकर आज पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को राहुल गांधी घेरते नजर आए। काफी आक्रामक राहुल गांधी यहां पर दिखे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे न्यूनतम आय जो है, न्यूनतम आय देश के आदमी के लिए निर्धारित करेंगे और कम पैसा कमाने वाला जो देश का नागरिक है वो भी एक न्यूनतम आय पाएगा। तो तमाम तरीके की अपनी सरकार आने के बाद किस किस तरीके से देश में वो विकास करेंगे, ये आम लोगों के लिए किस तरीके की योजनाएं लेके आएंगे, उसके बारे में भी राहुल गांधी ने बताया और साथ ही साथ बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल मुद्दे को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों फाइल खोने का मामला सामने आया था, वो मुद्दा हो या तमाम अन्य जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, जिस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर वायुसेना का यूज बीजेपी कर रही है, इस तरीके का आरोप लगाया गया, तो अब बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रही है, साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना था और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। बिल्कुल, जिस तरह से लेकिन देखा जाए राहुल गांधी की अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव के, अगर हम मुद्दों की बात करें क्या कुछ जनता के बीच किन मुद्दों के साथ कांग्रेस जाएगी, वो कहीं ना कहीं साफ हुआ। जिस तरह से देखा, साफ तौर पर उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, जिस तरह से नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से एक रात में ऐलान कर दिया गया बीजेपी की तरफ से और जो छोटे कारोबारी हैं उनकी रीढ़ की हड्डी पर सीधा प्रहार किया गया बीजेपी की तरफ से, जो तमाम मुद्दे हैं शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ये मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव की अगर बात करें। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कहा गया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें होती हुई कहीं ना कहीं नज़र नहीं आई। बिल्कुल, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस है वो 2019 के चुनाव में आएगी। जिस तरीके का भाषण आज राहुल गांधी का गुजरात के मंच से दिखा, ये तमाम मुद्दे होंगे और नोटबंदी के मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो कल भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए RBI से RTI के जवाब में आए एक लेटर को मीडिया के सामने रखा था और साफ तौर पर उन्होंने खुलासा किया था कि उस RTI के आधार पर कि RBI के अधिकारियों ने साफ तौर पर लिखित में जो उनकी मीटिंग हुई थी उन मिनट्स को RTI के माध्यम से मंगाया था और कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म करने का जो बीजेपी सरकार कह रही थी भ्रष्टाचार उस पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जितना भी काले धन को वापस लाने की बात की गई थी काले धन को लेकर जो RTI कांग्रेस ने सामने रखी थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि काला धन सोना और जमीनों के नाम पर है, ना कि कैश में काला धन है। तो कई तरीके के आरोप नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगा चुकी है, तो आने वाले 2019 के चुनाव में राफेल का मुद्दा भी कांग्रेस लेकर चलेगी, उसके अलावा रोजगार का मुद्दा लेकर चलेगी, विकास का मुद्दा लेकर चलेगी, नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ उसको लेकर चलेगी और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने की बात सामने आई और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर भी राहुल गांधी निशाना साधते हुए नजर आए। दिल्ली में पिछले दिनों की बात की जाए तो लगातार जो दुकानें हैं उनको सीलिंग की कार्रवाई होती रही और दोनों पार्टियां आराम से बैठी रही, जो छोटे कारोबारी हैं उन
जीएसटी आने के साथ उन छोटे कारोबारियों के कारोबार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये मुद्दे भी राहुल गांधी उठाते हुए दिखना है। तो 2019 के चुनाव में जिस तरीके से गुजरात के मंच से राहुल गांधी ने तमाम बयान दिए, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो 2019 के चुनाव में लेकर कांग्रेस आम जनता के बीच जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से देखा और देखा जाए पहली बार प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं गुजरात से भाषण देती हुई नजर आई, और सीधे तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को चेताया, कहीं ना कहीं ये कहा कि जो फिजूल के मुद्दे हैं उनसे कम से कम बचिए। बिल्कुल, प्रियंका गांधी के भाषण की अगर बात की जाए, आज पहली बार पार्टी में कमान संभालने के बाद पहली बार वो मंच पर नजर आई है। उन्होंने कार्यकर्ता से साफ तौर पर कई बातें कार्यकर्ताओं से संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर कांग्रेस चुनाव में जाएगी, और पिछली सरकारों ने जिस तरीके से देश की जनताओं को गुमराह किया है, विकास के नाम पर गुमराह किया है, रोजगार के नाम पर गुमराह किया है, उनको बेनकाब करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रियंका गांधी के भाषण देने के दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद थे उनमें काफी उत्साह दिखा, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह मानना भी है, प्रियंका गांधी जब से कांग्रेस पार्टी में आई है तब से कार्यकर्ताओं में नई एक ऊर्जा देखने को मिल रही है, और प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारी दी गई है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर, वो बखूबी तरीके से निभाएंगी। और कार्यकर्ताओं से लगातार जैसे ही उन्होंने कमान संभाली उसके बाद से लगातार टिकट बंटवारे की बात हो या 2019 के चुनाव को लेकर जो पार्टी की रणनीति है उसको लेकर एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ मीटिंग है वो प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही है। और आज उन्होंने मन से साफ कर दिया कि पूरी तरीके से कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी और किस तरीके से बीजेपी सरकार को जवाब दिया जाएगा, उसको मन से प्रियंका गांधी साफ करती हुई दिखी। लेकिन बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए जो एक्टिवनेस पार्टी की तरफ से दिखनी चाहिए लोकसभा चुनाव में वो साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही है, और पूरी गंभीरता पूर्वक सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो तमाम बीजेपी की तरफ से 2014 के मैनिफेस्टो में नजर आए थे उन पर कितना काम किया गया, विकास को लेकर जो लगातार नारे देती रही है बीजेपी, उनको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी कहा कि मसूद अजहर को भी बोलते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कांग्रेस ने जेल में डाला और कहीं ना कहीं बीजेपी ने छोड़ा था उसको। बिल्कुल, अजहर मसूद की अगर बात की जाए तो उसको लेकर लगातार राहुल गांधी ने कल भी बयान दिया था, हालांकि कल अजहर मसूद के नाम के आगे जी लगाने को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने उस पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जाहिर की थी, और राहुल गांधी को देशद्रोह होना और आतंकवादियों के करीबी होने की बात कही गई थी। लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि मसूद अजहर को यूपीए की सरकार में पकड़ा गया था और एनडीए की सरकार में उसको जो आज के एनएसए हैं अजीत डोभाल वो प्राइवेट प्लेन लेकर गए थे और एक सूटकेस के साथ उसको वहां पर छोड़कर आए। तो जो भी आतंकी है उन पर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी पूर्व में करती रही है। आज से पहले की अगर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के बयानों की बात की जाए तो इन्होंने साफ किया है कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ करती थी लेकिन सरकार उनका माइलेज नहीं लिया करती थी। अब राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी के ऊपर आरोप है कि राष्ट्रवाद के आधार पर वो एयरफोर्स का भी मिसयूज कर रहे हैं और अपनी पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके की कार्रवाई हुई, सेना जिस कार्रवाई को कर रही है उसका कहीं ना कहीं माइलेज लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है, ये भी साफ करते हुए राहुल गांधी दिखे। और राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी देश की जनता को गुमराह कर रही है, इस तरीके का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। लेकिन जो अहम मुद्दे होने चाहिए, जो देश की जनता के लिए फायदेमंद मुद्दे होने चाहिए, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं बीजेपी भटकी हुई है और बीजेपी देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह कर दोबारा से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है जो मुद्दे वाकई होने चाहिए जनता के हित के लिए, जो मुद्दे होने चाहिए उससे कहीं ना कहीं भटकती हुई नजर आ रही बीजेपी। और जिस तरह से देखा जाए राष्ट्रवाद को लेकर, एयर स्ट्राइक को लेकर कुछ फायदा, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कि कहीं ना कहीं खुद को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, उपलब्धियां गिनवाने में कहीं ना कहीं बीजेपी लगी है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है।